किडनी जो कि हमारी बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स में से एक है, हमारे किडनी हर रोज खून को करीब 20 से 25 बार फिल्टर करते हैं। और इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि किडनीज जो हमारे फिस्ट जितने होते हैं वो काम कैसे करते हैं। जिस पॉइंट पर पेट शुरू होता है उस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर पीछे की ओर हमारी किडनीज लगे होते हैं। और किडनी का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है बॉडी में वाटर लेवल्स को मेंटेन करना और बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना। पानी और वेस्ट मटेरियल दोनों ही हमारे खून में होते हैं। पानी तो पीने से आता है और वेस्ट मटेरियल खाना खाने से आता है। और हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इन केमिकल रिएक्शन से भी वेस्ट मटेरियल्स हमारे खून में आ जाते हैं और यही खून जाता है किडनीज में। जो रेड कलर के पाइप्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो किडनीज में गंदा खून लेकर आते हैं और ब्लू पाइप्स किडनीज से फिल्टर्ड खून पूरी बॉडी तक पहुंचाते हैं। तो खून किडनीज में आता है इस रेड वाले पाइप से और इस रेड वाले पाइप को एब्डोमिनल एओर्टा कहते हैं। तो एब्डोमिनल एओर्टा से खून किडनी में आ जाता है और किडनी में जो चीज खून को फिल्टर करती है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। और एक किडनी में करीब 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं और दोनों किडनीज के 20 लाख नेफ्रॉन्स मिलकर खून को साफ करते हैं। और नेफ्रॉन अंदर से ऐसा होता है और नेफ्रॉन में नसें बहुत ही ज्यादा पतली होती हैं और नेफ्रॉन की नसों में छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये नसें बिल्कुल एक छलनी की तरह होती हैं और जब खून इन नसों से गुजरता है तो खून में जितने भी छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स और वाटर मॉलिक्यूल्स सभी खून से बाहर निकल जाते हैं। और कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो खून में वापस आ जाती हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स। और नेफ्रॉन के एक एंड तक पहुंचते पहुंचते खून में सभी इम्पोर्टेंट चीजें वापस आ जाती हैं और फिर फिल्टर्ड खून वापस से बॉडी में आ जाता है। और नेफ्रॉन के एंड में जो वेस्ट बच जाता है उसमें यूरिया और पानी होता है और वहां से ये वेस्ट यूरेटर से होते हुए चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर में और ये वेस्ट यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेचेबल होता है, जैसे यूरिन ब्लैडर में आता है वैसे ही ब्लैडर का साइज बड़ा होता जाता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है, तब हम वॉशरूम जाकर उसे खाली कर देते हैं। वैसे यूरिनरी ब्लैडर करीब 800 मिलीलीटर यूरिन होल्ड कर सकता है। जब हम ज्यादा पानी पी लेते हैं तब किडनीज वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा पानी खून से निकाल देते हैं और जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तब किडनीज ज्यादा से ज्यादा पानी बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर बॉडी में पानी की कमी होगी तो बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाएगी। और ब्लड फिल्टर करने के अलावा किडनीज और भी दूसरे काम करते हैं जैसे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, और रेड ब्लड सेल्स भी किडनी के कारण ही बन पाते हैं। हेल्दी किडनीज इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन बनाते हैं और इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन की वजह से ही बॉडी को पता चल पाता है कि कितने रेड ब्लड सेल्स बनाने हैं। और किडनीज बोन को हेल्दी रखने में भी बॉडी की मदद करते हैं। हमारे सभी बोन्स कैल्शियम से बने होते हैं और किडनीज कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल्स को मेंटेन करके रखते हैं जिससे फिर बॉडी बोन्स को स्ट्रांग रख पाती है। तो किडनीज हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और इसीलिए किडनीज को हमें हेल्दी रखना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करने से किडनीज और अच्छे से काम कर पाती हैं। सिर्फ किडनीज ही नहीं, एक्सरसाइज करने से हमारी पूरी बॉडी ही और अच्छे से काम कर पाती है। हेल्दी डाइट से भी किडनीज हेल्दी रहती हैं और ज्यादा पानी पीने से भी किडनीज हेल्दी रह पाते हैं। किडनीज में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है जो कि है किडनी स्टोन्स। खून में जो कुछ भी होता है उस सबको किडनीज फिल्टर कर देते हैं और खून में जो एक्स्ट्रा मिनरल्स होते हैं उन मिनरल्स को भी किडनीज निकाल देते हैं। और ये मिनरल्स किडनी में ही एक क्रिस्टल में बदल सकते हैं और इन्हीं क्रिस्टल्स को हम किडनी स्टोन कहते हैं। और ये क्रिस्टल सिर्फ तभी फॉर्म होते हैं जब यूरिन में पानी की मात्रा कम हो जाती है। अगर आपके पेशाब यूरिन का कलर डार्क है तो इसका मतलब ये है कि आप पानी कम पीते हो और कम पानी पीने के कारण किडनी स्टोन फॉर्म होने का खतरा बढ़ जाता है और ज्यादा पानी पीने से किडनी स्टोन का खतरा कम हो जाता है। एक हेल्दी इंसान को एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए जो कि लगभग 10 से 12 ग्लासेस होते हैं। तो अपने किडनीज को हेल्दी रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिया कीजिए। लेकिन अगर आप पानी पीना बंद कर देंगे तो क्या होगा, तो ये जानने के लिए ये वाली वीडियो देखिए। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इतना ही था इस वीडियो के लिए। जय हिंद।